नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के और बहुत ही नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों मैं हूं फिलहाल लास वेगास में, काम के लिए आया था। काम खैर चल रहा है, हो भी गया है, लेकिन यहां पर दोस्तों अभी टाइम है थोड़े से फन का। देखो आज उस व्लॉग में कि क्या फन होता है, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है पीछे वेगास एयरपोर्ट, और मुझे हमेशा मजा आता है कि मैं एयरपोर्ट के नज़दीक किसी होटल में रुकूं। फिलहाल हूँ MGM ग्रैंड में, और व्यू मेरे रूम से तो खैर उस तरफ का है, लेकिन यहाँ से जो एयरपोर्ट का व्यू है वो ही बहुत अच्छा है। और मजे की बात दोस्तों यहाँ पे जो व्यू अभी आपको मिलने वाला है यार, वो होगा बड़ा ही कमाल, क्योंकि जो पिकअप होगा यहाँ से जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ वो होगा एक हमवी में, एक असली एक्चुअल हमवी में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा बहुत 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 ज़्यादा। मैं जब आया था लास्ट ईयर वेगास तो मैंने आपको बहुत कुछ खैर दिखाया था, हेलीकॉप्टर भी था उसमें और कुछ चीज़ें थी, लेकिन फिलहाल के लिए जो एक्टिविटी है बहुत, मैं उसके लिए खुद एक्साइटेड हूँ। और इनफैक्ट हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, जहाँ पर जगह का नाम है बैटल फील्ड वेगास। खैर आप थंबनेल देख ही चुके हो, लेकिन जो अभी है असली फन शुरू होने वाला है। तो इस टाइम पे पूरा जो ट्रैफिक है वो जाम है, लेकिन मैं जिस गाड़ी में उसके हिसाब से सब लोग इधर देख रहे हैं और सबका ध्यान इस तरफ है इसी हमवी पे, और मैं जा रहा हूँ ठीक सामने बैटलफील्ड वेगास कुछ गन्स को ट्राई करने के लिए। और एक सरप्राइज है वो आप दूसरे व्लॉग में देखेंगे जो बहुत बड़ा है। माहौल है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग है, और यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ गन्स शूट करने वाला हूँ। कुछ तीन चार पांच तरह तरह के मैं गन्स ट्राई करता हूँ, वो M4 हो सकती है, साथ में AK-47 हो सकती है, उसके अलावा कुछ पिस्टल्स हो सकती हैं। तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस शूटिंग का, लेकिन जो सरप्राइज़ है वो आप अगले व्लॉग में देखेंगे, वो बहुत बड़ा है। दोस्तों जो टोटल है वो है $2,738, लेकिन उसमें चीज़ें बहुत सारी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी हैं। दोस्तों वेवर साइंड जो कि ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स सेफ्टी इज़ नंबर वन प्रायोरिटी। और अभी टाइम है कुछ शूटिंग का अलग अलग गन से। मैंने दोस्तों चूज़ किया है ब्लैक ऑप्स एक्सपीरियंस, साथ में एक पिस्टल भी है, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। टाइम है कुछ एक्चुअल रियल गन शूटिंग का। Handguns, I'll show you the way that works the best for me. Okay. Right hand, you want to come up under the back strap as high as you can. Okay. Wrap your hand around. Remember to keep your fingers straight until you're ready to shoot. Uh-huh. Left hand comes underneath the trigger guard, okay. Around the right hand. Uh-huh. Hands together nice and tight like a firm business handshake. Okay. A few moments later. चलिए शूट करते हैं। A few moments later. So this is your German MP5. Looks a little bigger than the last one, it's a lot easier. Okay. Right hand you're gonna grab right in here nice and high. Left hand we're grabbing on the plastic. Okay. Left leg forward, right leg back. Bend uh-huh. this leg but keep this one straight. The left accurate. Hand you're gonna pull the butt stock into the pocket of the shoulder. Your right cheek, top of the door, put down on the plastic just like so. You're gonna use that right eye to look through that hole. Top of your front sight post inside your target. All the way at the top, that's gonna be safe. In the center, that'll be one shot at a time. That's where we always start. If you want to do automatic, you flip it down to the bottom. That puts it in an automatic. Yeah.
इसका एक अलग मजा था और बड़ा कमाल मजा था जर्मन MP5 का. Here is really Uzi, the Uzi. Okay, like the red dot. Got to squeeze and hold the safety all the way in. Okay. Left hand, we're grabbing right up there. Same thing as before. Left leg, right leg, in the shoulder, face on the gun. Good hard, deliberate trigger squeeze, short burst. A little longer. ये दो बाकी हैं. बहुत ज्यादा मजा आ रहा है अभी. बहुत बहुत ज्यादा. दोस्तों भी M4 और AK-47 बहुत ज्यादा मजा आएगा. Right hand, we're grabbing back here. Left hand, we're grabbing anywhere on the handguard. It doesn't make any difference as long as you're not trying to grab the barrel. So just stay behind the front sight post. Okay. Left and right, nice and tight. Face on the gun. Right eye inside this glass. You're gonna see a little red dot, just like Call of Duty. All right. Use a red dot to aim. Up and down. That is gonna be one at a time. Towards you will be automatic. दोस्तों ये थी M4. मजा बहुत बहुत ज्यादा आ रहा है. कितनी शेल से नीचे दोस्तों ये 25-25 राउंड्स हैं और बहुत ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ पे. अभी लास्ट गन है जो कि है AK-47. देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है. Right hand grabs there. Left hand, the only place to grab is right here on plastic. Grab plastic, don't grab metal. Left and right, nice and tight. Face on the gun. Right eye, red dot target. Yep. अभी टाइम है कुछ फोटोज का और देखते हैं कि आखिर इस बार मैंने कहाँ हिट किया है. हालांकि इसमें थोड़ा फॉग था इसलिए मैं देख नहीं पा रहा था. बट लेट्स सी कि जो दोस्तों बहुत ज़्यादा सही एक्सपीरियंस था और अभी रेंज से बाहर और वापस से नॉर्मल दुनिया में शूटिंग की दुनिया से एकदम दूर. दोस्तों जो गन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो मतलब इतनी सारी हैं और इतनी सारी वैरायटी है. मतलब अगर आपको कुछ भी पसंद हो आप कहीं से गूगल करके आते हैं तो यहाँ पे आपको वो गन पक्का मिल जाएगी. 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स. दोस्तों 500 से ज़्यादा अलग अलग मतलब इतनी सारी गन्स हैं और स्टॉक जो है ये तो खैर एक सेक्शन है सिर्फ. चाहे हम बात कर लें बुलेट्स की या मतलब इतना सारा स्टॉक है और बहुत ज़्यादा मजा आया मुझे यहाँ पे. थैंक यू फॉर All the knowledge. Absolutely, man. It was my pleasure. Thank you. तो भैया खेल खत्म. पैसा हजम और पैसा बहुत सारा हजम हो गया. 2800 के 700 बहुत ज़्यादा हो गया यार. 2738.15 डॉलर यानी कि कितना हो गया यार. 2.25 लाख हो गया क्या. कितना बहुत ज़्यादा हो गया. 2 लाख हो गया क्या ऑलमोस्ट आज की रेट के हिसाब से पता नहीं भैया. लेकिन यहाँ पर दोस्तों मज़ा पूरा भरपूर आया. मतलब मैंने जो भी गन्स को ट्राई किया वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. और फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे इनकी सुवनियर शॉप में कुछ देख रहा हूँ अगर मैं कुछ ख़रीदता हूँ. लेकिन जो चीज़ है मतलब इतनी शानदार लगी. हालांकि सबसे ज़्यादा रिकॉयल मेरे सरप्राइज़ के हिसाब से मेरे को पिस्टल में आया जो कि मेरे को लगा था कि शायद देखिए 47 वगैरह में आएगा. लेकिन पिस्टल क्योंकि सिर्फ आपका हाथ से आप होल्ड करते हैं इसीलिए सबसे ज़्यादा रिकॉयल था. बाकी गन्स में क्योंकि आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो काफ़ी स्मूथ गई. लेकिन ये था दोस्तों फिलहाल एक्सपीरियंस. मैं जाता हूं बाहर. मेरी हमवी अभी तैयार है जाने के लिए. उससे पहले कुछ शॉपिंग करता हूं और वो भाई कुछ ज्यादा ही कूल है. तो ये था एक्सपीरियंस मेरा वेगस में शूटिंग का. आगे अगर कभी और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ थोड़ा गुस्सा हुआ तो देखते हैं कहां पे मिलता है ऐसा मौका. लेकिन कुछ भी कहो मजा बहुत आया इस ब्लॉग में. आई एम श्योर आपको भी जरूर आया होगा. दोस्तों
जहां से वीडियो शुरू किया था वहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। बस फिलहाल भी इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई थोड़ा सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो नहीं, रोजाना नहीं मतलब बार बार बहुत बार ऐसी ही कमाल वीडियोस लेके आता रहता हूँ दोस्तों। बस जय हिंद, वंदे मातरम।